गाइस सिंगरा पगार वाटरफॉल में 5 बजे के बाद आपको एंट्री बंद हो जाता है, तो आप जितना हो सके जल्दी आइए, तभी आपको एंट्री मिलेगा। नमस्कार, जय जोहार, जय श्री राम दोस्तों, मैं हूं विशु और आज की कहानी ये है कि मैं कल नाइट में ही आ गया ऑन रोड बाइक से गरियाबंद। तो अभी मैं हूँ गरियाबंद के पुलिस कॉलोनी में दीदी जी जाके यहाँ, और आज हम एक्सप्लोर करने वाले हैं गरियाबंद के कुछ अच्छे अच्छे जगह। अभी दीदी बर्तन मांज रही है और जीजा तो है नहीं यार, वो ड्यूटी में गए हैं सख्ती, तो वो रहते तो और मज़ा आता उनके साथ घूमता, लेकिन दीदी ने मेरे साथ घूमने के लिए एक लड़का जुगाड़ कर दिया है, तो उनके साथ जाऊँगा मैं। अभी फिलहाल किचन में हूँ, देख रहे हो किचन में दीदी नाश्ते में हलवा बनाएंगे। यार लड़का लोगों के साथ टाइम स्पेंड करने में बहुत अच्छा लगता है, मज़ा आ जाता है, मतलब टेंशन दूर हो जाता है इन लोगों के हरकत को देख के, और जब रोते हैं ना भाई तो कान फाड़ देते हैं ये लोग। और अभी हम नाश्ता करते हैं यार, हलवा खा के निकलेंगे। तो गाइस यार अभी टाइम हो रहा है 10:01 और मैं रेडी हो गया हूँ, देख सकते हो यार काला काला, और मौसम भी बहुत प्यारा है यार, क्लाउडी क्लाउडी। और आज मेरे साथ जा रहे हैं मोनू, मास्क तो हटा हीरो। तो यार मोनू मास्क अभी अपन लोग निकल चुके हैं पुलिस कॉलोनी से। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और घंटी को भी दबा दीजिए। तो अभी हम जाने वाले हैं चिंगरा पगार, और चिंगरा पगार जो है रायपुर से आपको 91 किलोमीटर और गरियाबंद से 20 किलोमीटर की दूरी पर पड़ता है। और अपने साथ हैं हमर गरियाबंद चैनल के ऑनर नागमणि भैया, और अपने साथ हैं स्पेशल हीरो मास्क वाले मोनू। तो चलते हैं दोस्तों, अगर आप लोग आएंगे तो भटकना नहीं है, पीछे बोर्ड लगा है चिंगरा पगार के लिए, और यहाँ से केवल 3 किलोमीटर की दूरी पर स्थित। ये कौन सा गांव है भैया? बारुका गांव ही है, उसी अच्छा। का एक मोहल्ला। तो गाइस चिंगरा पगार वाटरफॉल जो है जंगलों के बीचों बीच है, और यहां आने के लिए बेस्ट सीजन है जुलाई टू अक्टूबर। इस मंथ में आपको यहां वाटरफॉल में पानी अच्छा से भरा हुआ मिल जाएगा। भाई गाड़ी यहाँ अंदर तक आता है, देख लो इतना ज़्यादा भीड़ है यार सामने। तो गाइस चिंगरा पगार वाटरफॉल में 5 बजे के बाद आपको एंट्री बंद हो जाता है, तो आप जितना हो सके जल्दी आइए, तभी आपको एंट्री मिलेगा। गाइस हम लोग थोड़ा लेट से आए क्योंकि और बाकी जगह भी जा रहे थे अपन लोग एक्सप्लोर करने, लेकिन यार ये वाला वाटरफॉल है बहुत बड़ा है और मज़ा आएगा यहाँ जाके, लोगों का पागलपन देखने को मिलेगा। तो यार फैमिली भी आई हुई है पिकनिक मनाने के लिए वाटरफॉल में, और 5 बजे से पहले ही आई है भाई। गाइस जहाँ से पार्किंग के वहाँ से लगभग 200 या 300 मीटर आपको पैदल चलना पड़ेगा। गाइस पहुँचने ही वाले हैं वाटरफॉल के पास, और आवाज़ सुनाई दे रहा है। गाइस आई थिंक ये गरियाबंद जिले का सबसे बड़ा वाटरफॉल है, और इसकी हाइट जो है 110 फीट है। अगर आप यहाँ आना चाहते हो तो एक जोड़ी कपड़ा ज़रूर अपने साथ लेके आइए, क्योंकि यहाँ का मौसम ऐसा होता है ना यार, माहौल कि आप खुद को नहाने से रोक नहीं पाते।
बड़े बड़े पत्थर। क्या मस्त ठंडी ठंडी हवा चल रहा है यार। Thank you.